क्वेश्चन था अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर. पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसकी लेंथ बता दी 1 मीटर. मैं साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करता जाता हूँ, इसको समझिएगा क्वेश्चन को. ये हमारे पास पेंडुलम हो गया और इस पेंडुलम की जो लेंथ हमें दी है वो कितनी है, 1 मीटर. हैज बॉब ऑफ मैस 200 ग्राम और जो ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच है उसका मैस 200 ग्राम है, मीन्स 0.2 किलोग्राम. 1000 से डिवाइड कर दिया. उसके बाद वो क्या कह रहा है, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 60 डिग्री एंगल. उसको हमने डिस्प्लेस किया कितना, 60 डिग्री. इसका मतलब हमारे पास ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई. और जब तक वो खुद ना कहे आपने नहीं सोचना कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है. अगर वो सिंपल कहे डिस्प्ले 60, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट के साथ उसका एंगल कितना है, वो 60 डिग्री है. एंड देन रिलीज, और यहाँ पर ला के छोड़ दिया. तो जब बॉडी दोबारा मीन पोजिशन पर आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. अब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जितनी इनिशियल एनर्जी होगी उतनी बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी. तो मतलब अगर मुझे मीन पोजिशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर कैलकुलेट कर लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा. अब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, एम जी. अब यहां मेन चीज आती है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर एम जी एच के इक्वल है तो ये एच क्या है. अब इसको हमने कैलकुलेट करना है. तो ये एच क्या है, अगर बॉडी को हमने मीन से एक्सट्रीम पर लेकर गए तो ये बेसिकली आपके पास वो हाइट है जो हमें कैलकुलेट करनी है, जितना उसको डिस्प्लेस किया. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर यहां से यहां तक लेंथ है तो ये भी क्या है, ये आपकी लेंथ है. इसका ये एंगल 60 है, नजर आ रहा है ये एंगल कितना है, 90. इसको रिजॉल्व करें, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हुआ है. एक ये इसका कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे, एल कॉज 60. और एक ये इसका कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे, एल साइन 60. तो अगर तो आपने एल को प्रॉपरली रिजॉल्व कर लिया तो आपको पता चल गया कि एच डैश किसके इक्वल है. ये जो टोटल हाइट आपके पास थी, टोटल डिस्टेंस, ये एल था. यहां से लेकर यहां तक ये आपने रिजॉल्व करने से फाइंड कर लिया कि ये किसके इक्वल है. ये आपके पास इक्वल आ गया एल कॉज 60 के. तो क्या ये जो आपको हाइट रिक्वायर्ड है एच डैश, इसको मैं लिख सकता हूं एल माइनस एल कॉज 60. तो हाइट कैलकुलेट हो गई. यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें एल माइनस एल कॉज ऑफ 60. आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. मैस कितना है, 0.2, जी 10 अज्यूम करेंगे, एल कितना है 1, और कॉज 60 कितना होता है, कॉज 60 1/2 होता है. तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2. और 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जूल आपका आंसर होगा.